नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम चौधरी। स्वागत है आप सभी का HP अकेडमी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 69,000 से अच्छे भर्ती की आज सुनवाई होनी थी और जिसमें आपको आप सभी बड़े दिनों से फैसला का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि आज फैसला आ जाए, पर लेकिन दोस्तों आज की जो अपडेट है वो आपको इस अपडेट में मैं बताऊंगा। दोस्तों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए, तो दोस्तों बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शिक्षा भर्ती से रिलेटेड आप अपडेट पाना चाहते हैं तो आप दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा भर्ती से रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो सबसे पहले लेकर आते हैं हम इस चैनल पर, HP अकेडमी पर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, और आपको एक और बात बता दूँ, ये रोजधन एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको तुरंत आपको 50 रुपये मिलेगा, इससे आप रिचार्ज कर सकते हैं और पेटीएम में डाल सकते हैं और भी बहुत सही अच्छा ऐप है ये। रोज़ाना आप धन कमा सकते हैं इससे वीडियो देखने के पैसे मिलते हैं, तो डाउनलोड कर लीजिए, अच्छा ऐप है। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती की कट ऑफ मामले में लाइव कोर्ट अपडेट है आपके लिए। तो आपको बता दें आज तिवारी जी और चंद्रा जी भी रीजेंडर को काउंटर करने के लिए मौजूद रहेंगे और कोर्ट नंबर 23 टाइम 10:15 पर अभी कोर्ट नहीं बैठी है, मतलब 10:15 की बात है ये, उस जगह की उस टाइम की बात है, ठीक है, तो आप ये ना समझें। फिर इसके बाद है, आपको बता देते हैं कि आर्टिकल 22/113 के बारे में बोलते हुए जज साहब ने कहा कि सरकार उच्च गुणवत्ता के लिए बेसिक नियमावली में संशोधन करके भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है और 60-65 पर बहस बढ़ी आगे और मिश्रा जी पासिंग मार्क्स 40-45 पर पुनः जोर देते हुए समानता का अधिकार के तहत पिछली भर्ती के समान कट ऑफ रखने को कोर्ट से की अपील कर रहे हैं। और आपको बता दें डॉक्टर LPG प्रेमचंद और अन्य ऑर्डर के बारे में जानकारी देते हुए आज फिर कोर्ट में शिक्षा मित्रों के वकीलों द्वारा BEd के विरुद्ध उठाई आवाज़ और तेज प्रकाश पाठक ऑर्डर पर बहस जारी है और लंच हो गया। ये लंच होने के बाद की टाइम बात है कि लंच हो गया और लंच के बाद LPB मिश्रा जी बहस कर जारी करेंगे। और आपको बता दें कि कोई भर्ती कोर्ट से बाहर नहीं है, राजस्थान में अभी भी 25,000 थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती पर डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है और कारण रीजन अलॉटमेंट है, कुछ जिला वरीयता और जिला आवंटन जैसा मामला है, ठीक है। तो सीनियर काउंसल अनिल तिवारी जी और प्रशांत चंद्रा जी 60-65 बचाने के लिए तैनात हैं। और आपको बता दें कट ऑफ मामले की लंच बाद सुनवाई फिर होगी और आपको बता दें LP मिश्रा ने केस फिर किया शुरू और पूरा पैनल कोर्ट रूम में है और लालता प्रसाद मिश्रा जी बोल रहे हैं कि कुछ ही देर में बैठ सकते हैं। चलिए और आपको बता दें इसमें जो भर्ती का, हाँ देखिए यहाँ पर आपको बता दें जज साहब ने बलरामपुर से सस्पेंड हुए टीचर को केस उठा लिया है और कट ऑफ अभी दूर है। ये वो वाली बातें हैं, कट ऑफ केस सुनने की वाली बातें हैं ये पहले, ठीक है। तो जो कल जो हड़ताल हुई थी के कारण आज केस की लिस्ट नहीं जनरेट हुई थी। और आपको बता दें कट ऑफ प्रकरण बढ़ती 69,000 की सुनवाई प्रारंभ मतलब शुरू हो चुकी थी, वो तो पहले ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी बातें उसी के ऊपर हैं। तो मिश्रा जी जो चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, 40-45 पर जोर दे रहे हैं, जैसा सामने काउंटर क्वेश्चन किया है और वो भी तो नोटिफिकेशन में डिटेल्स डिक्लेयर नहीं की गई है, तो ये बता रहे हैं कि डिक्लेयर नहीं की गई थी। वही सारी बातें आपको बताया कि शासनादेश में नहीं 40-45 डिक्लेयर की गई थी, तो जो है यहाँ पर सरकार वाली बात है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बता दिया दोस्तों। देखिए नोटिफिकेशन में डिटेल नहीं है, BEd की एंट्री पर हो रही है बहस, तो और BEd की एंट्री पर भी बहस हो रही है कि BEd क्यों एंट्री दी गई NCT ने, है ना। तो देखिए क्या होता है शिक्षक भर्ती की, आप सभी को मैंने अपडेट दे दिया है। आज की जो अपडेट है वो ये है कि अभी तक कोई फैसला नहीं आया है कि मतलब जो है सुनवाई तो अभी हो रही है लगातार, और देखिए क्या होता है, अगर अगली डेट आती है तो अगली डेट की भी हम आपको अपडेट देंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर और कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले लेकर आते हैं हमने अपने चैनल पर, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, रोजधन एप्लीकेशन अच्छा एप्लीकेशन है, 50 रुपये तुरंत यार फ्री में मिलते हैं, क्या दिक्कत जा रही है, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।